बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के स्टूडेंट देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकेंड ईयर में है हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर लेके आए और हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का नाम हो जाएगा मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास। ठीक है, जो राजनीतिक इतिहास 1926 से लेकर 1740 तक हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये पेपर का नाम हो जाएगा। और मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूँगा जो जो मैं आपको इन क्वेश्चनों के बारे में बताऊँ हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ और 2022 में आप 85% प्लस लाएंगे। बस जो आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ बस यही पढ़ना है, क्योंकि आपके यदि आपके बुक नोट्स या पेपर में जो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो मिल रहा है तो वही पढ़ना, बाकी कुछ और मत पढ़ना। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि आपको फेल करने वाला कुछ पैदा नहीं है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छप रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि ये हर साल बनते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख लेना, मैं आप भी जितने यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहा है आप एक बार पेपर को पहले मिला लो। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई फायदा नहीं। इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, आप 2022 के टॉपर बनना चाहते हैं तो आप जो बता रहा हूं वही पढ़िए, बाकी कुछ और नहीं देखना है। तो पहले क्वेश्चन पर टिक लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास, जैसे ऐतिहासिक या सामाजिक ग्रंथों का वर्णन भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक और सामाजिक वो साहित्यिक ग्रंथ जो होते हैं उनका वर्णन करो। दूसरा क्वेश्चन आता है राजपूतों का पतन। राजपूतों का पतन का मतलब होता है पराजय। राजपूतों का पराजय का कारण क्या था, किस कारण से वो राजपूत पराजय हुए थे, हारे गए थे। ठीक है, इस कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण क्या, दिल्ली के सल्तनत का पतन कैसे हुआ था, ये आपसे पूछ लेता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाबर की विजयों के बारे में बताना है कि बाबर की विजय कैसा हुआ था। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय और तृतीय, तीनों युद्धों के बारे में देखना है। पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए थे, तीनों युद्ध, ठीक है ना, यहाँ कह रहा है खानवा का युद्ध के बारे में याद करके जाना है और हुमायूं के कठिनाइयों, उनकी समस्याएं क्या थी, हुमायूं के चरित्र के बारे में मूल्यांकन करना है। ठीक है, चरित्र के बारे में मूल्यांकन करना है आपको हुमायूं के बारे में। उसके बाद में आता है बाबर की धार्मिक ग्रंथियों को पढ़ लेना है। बाबर को धार्मिक ग्रंथि जो थी दीन ए इलाही के नाम से जानी जाती है, दीन ए इलाही, उसको पढ़ना है। उसके बाद में है कि जो था बाबर था वो राजपूत नीति, बाबर की राज कह सकते हैं राजपूत नीति क्या थी, उसकी परिमाण क्या निकला, वो आपको देखना है। देखो यहाँ कह रहा है जहांगीर के चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन करना, मतलब जहांगीर के जो चरित्र है उसका और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां का शासनकाल के बारे में, शाहजहां के शासनकाल के और यहाँ है जीवन चरित्र के बारे में आपको देख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बोला गया है औरंगजेब के धार्मिक नीति के बारे में, औरंगजेब के धार्मिक नीति और उनके परिमाण के बारे में। यहाँ बोला गया है शिवाजी का परिचय क्या था और उनकी सफलताओं के बारे में आपको देख लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि बस आपको 2022 का टॉपर बनना है। यहाँ की देखो यहाँ कह रहा है शिवाजी योद्धा एवं प्रशासन उनके अद्भुत मिश्रण थे, ये कथन का विवेचना करती है। ठीक है, कि जो शिवाजी योद्धा थे और शासन कह सकते हैं प्रशासन का अद्भुत मिश्रण थे, ये आपको कथन आपको समीक्षा करनी है, इस कथन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ है कह सकते हैं मुगलों के पतन का कारण क्या था, मुगल थे तो मुगल के पतन मतलब हारने का कारण क्या था। यहाँ है मुगलकालीन शासन की व्यवस्था के बारे में और यहाँ दे रहा है शेरशाह सूरी की विशेषताओं के बारे में। ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% लाओगे, मतलब कि 2022 के टॉपर बनना है आपको, 2022 के टॉपर आप बनोगे। तो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एक न्यू वीडियो, एक न्यू हमने चैनल खोला है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि, और आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर BA BSc कर रहा है आप उनको भी बता दीजिए। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।